हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुल्फास वर्ल्ड। दिस इज हेना। आप लोग सब कैसे हो? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और आप सबको मेरी तरफ से और मेरे फैमिली की तरफ से रमजान मुबारक। एंड आज मैं बहुत ही सिंपल एंड इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ क्रिस्पी एंड टेस्टी शॉर्मा रोल्स। तो शॉर्मा तो सबको पसंद होता है, सबका फेवरेट है। सो आज हम ये मिनी शॉर्मा रोल्स जो है ये कैसे बनाना है देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस रेसिपी। सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन पीसेस। सो मैंने यहाँ पे 1 चिकन ब्रेस्ट पीसेस जो है वो मैंने अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ दही एंड इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ गरम मसाला एंड थोड़ा सा नमक हैज पर योर टेस्ट। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट नहीं है तो आप इसके बदले आप टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस यूज कर सकते हैं। देन इसके ऊपर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड थोड़ा सा लेमन जूस। हाफ लेमन जूस इज इनफ, सो आप हाफ लेमन जूस स्क्वीज कर लीजिए एंड इस सबको एक साथ अच्छे से हम मिक्स दे देंगे। सो बिल्कुल इसमें हमने पानी नहीं डाला है, बस इसमें जो हमने सॉसेस डाले हैं और दही डाला है उसी के इसमें हम इसको मैरिनेट करने वाले हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम अराउंड 1 आवर के लिए इसे फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए रख देना है। अभी हम कोई भी पैन लेंगे, पैन को हीट करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम जितने भी पीसेस मैरिनेट करके रखा है हम सबको इसमें ऐड कर देंगे। सो बेसिकली हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, सो इसलिए मैंने ऑयल कम ऐड किया है। हम सारे पीसेस को एक साथ इसमें ऐड करके इसे सॉटे करना है बस। मैंने यहाँ पे चिकन के पीसेस छोटे छोटे रखे सो इसीलिए वो इजीली कुक हो जाएगा। सो मैंने सारे चिकन के पीसेस जो है वो मैंने एक साथ डाल दिया है पैन में एंड इस तरह हम हल्का से उसे सेपरेट कर देंगे सो दैट वो इवनली कुक हो सके। अब इसको हम इसी तरह लो फ्लेम पर अराउंड 2 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे एंड 2 मिनट के बाद हल्का सा सॉटे कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद वापस से हम 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही कुक होने के लिए रख देना है एंड थोड़े ही देर में ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, बिल्कुल ड्राई हो चुका होगा। सो ये फ्राइड जैसे ही दिखने लगेगा जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा। सो इसे थोड़ा और हम कुक करेंगे। सो बिल्कुल इसमें थोड़ा सा वो ग्रिल्ड स्मोक फ्लेवर आने तक इसे हमें पका लेंगे। टोटल टाइम 5 to 6 मिनट्स तक इसे कुक होने में लगेगा। सो आप देख सकते हैं थोड़ा अच्छे से ब्राउन लेयर्स आ चुका है, ये ऑलमोस्ट डीप फ्राई जैसे हो गया है। सो अब इस स्टेज में हमें इसे ऑफ कर देना है। चिकन ठंडा होने के बाद इसे हम फोक या हाथ की मदद से इसको थोड़ा सेपरेट कर देंगे। जो पीसेस बड़ा बड़ा है उसको थोड़ा सा हम मैश कर देंगे। मैश करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। नेक्स्ट हम लेंगे एक बाउल एंड यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप ऑफ कैबेज। सो ग्रेटेड कैबेज जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ एंड इसी में हम ऐड करेंगे कैरेट, 1/2 कप ऑफ कैरेट, ये भी ग्रेट किया हुआ मैंने ऐड किया है। अब इसमें हम डालेंगे मायोनीज। इसमें हम अराउंड 2 टेबल स्पून ऑफ गार्लिक मायोनीज जो है वो ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑफ विनेगर ऐड करेंगे एंड अब इसको हम अच्छे से मिक्स दे देंगे। इन सबको अच्छे से एक मिक्स देने के बाद ये हमारा स्टफिंग जो है ये रेडी है। अभी हम रोल बनाना स्टार्ट कर देंगे। सो रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्प्रिंग रोल शीट। इसमें हम सेंटर में इस तरीके से हम स्टफिंग जो बनाया है वो हम प्लेस कर देंगे एंड उसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑफ जो चिकन हमने बनाया है वो हम रख देंगे एंड इसे इस तरीके से आप इवनली रख दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए एंड इसको सही से आप सेट कर लीजिए। देन इसको फोल्ड करना स्टार्ट करना है। सो पहले हम सेंटर से इसको कवर करेंगे देन लेफ्ट साइड से दोनों साइड से इसको कवर करके हल्का से इसे रोल करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह हम इसे रोल कर देंगे एंड रोल करने के बाद एज में हम मैदा और पानी को मिक्स करके उसका जो पेस्ट है वो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। सो ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। सो इसे हम इसे क्लोज कर देंगे। इसी तरह हम सारे स्टफिंग्स को प्रिपेयर करके हम रोल कर एक एक करके रोल करके रखना स्टार्ट कर देंगे। सो हमारा रोल जो है रेडी हो गया है, बस इसे अभी हम फ्राई करना है। चाहो तो आप इसे फ्रीजर में डालकर फ्रीज भी कर सकते हैं। जब आपको फ्राई करना होगा आप 1/2 आवर या 1 आवर बिफोर आप इसे बाहर निकाल के रख दीजिए। सो आज मैं ऑयल फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं एयर फ्रायर में फ्राई करने वाली हूँ। सो ये इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल फ्राइड, जैसे हम डीप फ्राई करते हैं वैसा ही आपको मिलेगा।
एयर फ्रायर का ये बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपको बिल्कुल भी ऑयल यूज करने की जरूरत नहीं है, बिना ऑयल के आप बहुत ही अच्छे से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। स्पेशली रमजान में हम लोग बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड आइटम्स खाते हैं, सो ये चीज़ जो है बहुत हमें सेव कर लेता है ज़्यादा ऑयल खाने से। सो बस जस्ट हमें ऑयल ब्रश आउट करना है हल्का सा एंड इसे हमें एयर फ्रायर के अंदर रख देना है एंड इसे टाइमर जो है वो सेट कर देना है। टाइम जो है हमें 20 मिनट्स में सेट करना है एंड डिग्री जो है 180 डिग्री पे मैंने इसे सेट किया है। सो 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे हमें इसे फ्राई करना है। 10 मिनट्स के बाद इसे हम चेक करेंगे एंड इसे हल्का सा टर्न आउट कर देना है, थोड़ा सा सा टर्न कर देंगे। ऑलमोस्ट ये हो गया है, 10 मिनट्स ऑलरेडी हो चुका है और 10 मिनट्स बैलेंस है एंड 10 मिनट्स के बाद हम इसे बाहर निकाल देंगे। सो आप देख सकते हैं जो जैसे हम डीप फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसा ही कलर है। सो ये बिल्कुल रेडी है अभी सर्व करने के लिए। सो इसे गर्मा गर्म आप सॉस के साथ या मायोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। सो बहुत ही यमी एंड डिलीशियस बना था मेरा एंड बहुत ही क्रंची एंड क्रिस्पी भी था। इसका लेयर जो है बहुत ही क्रिस्पी होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अंटिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।